और इस बार के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। शिखर सम्मेलन नेताओं को प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। इसमें ब्रिक्स द्वारा शुरू की गई पहलों की प्रगति का भी आकलन किया जाएगा। और ये आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कजान शहर पहुंच चुके हैं। ये ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रूस के कजान से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं वहां पे तमाम जो अधिकारी हैं उनके वेलकम के लिए, और सांस्कृतिक तौर पर रूस काफ़ी एक समृद्ध देश है, तो सांस्कृतिक तौर पर भी वहाँ पे उनका स्वागत किया गया, इस्तकबाल किया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस पहुंच चुके हैं, ये ताज़ा तस्वीरें, और रूस में इस बार का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, और इसी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजान, रूस का एक शहर कजान, वहां पहुंच चुके हैं। और इस बार का जो विषय है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का इस बार का विषय है न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए मल्टीलेटरलिज्म, यानी कि बहुपक्षवाद को स्ट्रेंथन करना, यानी कि मजबूत करना। और अपनी यात्रा से पहले प्रधानमंत्री ने बहुत सारी अहम बातें कही थी, अगर मैं उस पर निगाह डालूं, आपसे साझा करूं वो बातें, बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ब्रिक्स के भीतर करीबी सहयोग को महत्व देता है, जो कि वैश्विक विकास एजेंडे से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत और चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है।